इधर गढ़वा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि गढ़वा जिला 3 राज्यों से घिरा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार से लगने वाली 7 सीमाओं पर बैरिकेडिंग की है। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण ने। जैसा कि आप जानते हैं, आचार संहिता लागू होने के बाद सभी जगह हमारा इंटरस्टेट चेकपोस्ट जो है वो फंक्शनल हो गया है। और गढ़वा जिला में कुल 7 इंटरस्टेट चेकपोस्ट बनाया गया है। ये 3 राज्यों की सीमा से लगता है गढ़वा जिला। उसी सिलसिले में आज उपायुक्त और मेरे द्वारा जो है इनका जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है, ताकि यहाँ पे जो चेकिंग हो रही है वो मुकम्मल हो रही है या नहीं हो रही है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकें। देखिए, तैयारी हम लोग पूरी, आप लोग जैसे देख रहे हैं, इमिडिएटली आफ्टर अनाउंसमेंट बहुत सारे कार्य हम लोग करते रहते हैं। इसमें हम लोग का ये भी है कि हम लोग चेक पोस्ट जो है ऑपरेशनल हो जाना चाहिए, सारे लोग हैं यहाँ पर, और उसी दिशा में हम लोग सारा करते आ रहे हैं। अभी हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर का कनेक्शन हमारे यहाँ से होना है, भवनाथपुर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड गढ़वा कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो दोनों जगह उनकी व्यवस्था देख लेंगे, नॉमिनेशन क्या व्यवस्था वगैरह, वहाँ भी एडिक्वेट फोर्स मैजिस्ट्रेट का हम लोग अरेंजमेंट। तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। गढ़वा जिले में अलग राज्यों से सटने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। जो भी वाहन दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। हर गाड़ी को बारीकी से देखा जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।